नमस्कार लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार का मिजाज में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। बिहार विधानसभा की 50 हॉट सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज बारी है हॉट सीट नंबर 6 सुपौल की। सुपौल की क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? देखिए गरिमा, सुपौल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1990 के चुनाव से 2015 तक यह सीट बिजेंद्र प्रसाद यादव, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, जदयू के विधायक हैं, वे अपराजेयी बने हुए हैं। मतलब उन्हें कोई हराने वाला सुपौल में नहीं पैदा हुआ। लगभग 6 बार नहीं, 7 बार ना, 7 बार, क्योंकि दो चुनाव हुए थे 2005 में। लगातार 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 चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। और बिजेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ 2020 में भी चुनाव कौन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए सुपौल का जो गणित है ना, या यूं कहें कि बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, 1985 के चुनाव तक बात करें, 1985 के चुनाव तक, तो यहाँ कांग्रेस चुनाव जीतती थी। प्रमोद कुमार सिंह कांग्रेस के नेता थे, विधायक थे, 1985 तक चुनाव जीते। और 1985 में प्रमोद कुमार सिंह ने लोकदल था, तब लोकदल के जहीर उद्दीन अहमद को 12,000 मतों के अंतर से हराया था 1985 में। जब 1990 का चुनाव हुआ तो जनता दल से बिजेंद्र प्रसाद यादव आए और सामने फिर से कांग्रेस के प्रमोद कुमार सिंह ही थे। इस चुनाव में जीत का आगाज किया बिजेंद्र प्रसाद यादव ने और इसके बाद से बिजेंद्र प्रसाद यादव लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। देखिए बिजेंद्र प्रसाद यादव जब जनता दल में थे तब लालू यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव सब एक साथ थे, लेकिन जब विभाजन हुआ, शरद यादव और नीतीश कुमार अलग हुए, तो बिजेंद्र यादव शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ चले गए। तब से बिजेंद्र यादव नीतीश कुमार के साथ ही हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं। आप जब भी देखते हैं पार्टी की बात होती हो, सरकार की बात होती हो, तो बिजेंद्र यादव की हिस्सेदारी उसमें होती है। तो सुपौल ऐसा भी नहीं है कि जब बिजेंद्र यादव लालू यादव को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ चले गए तो लालू यादव ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लालू यादव ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया। और जो समीकरण है सुपौल का, जातीय समीकरण, देखिए मुसलमान और यादव जो मिल जाते हैं तो वो भारी पड़ते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, और जो चुनाव के रिकॉर्ड बताते हैं, जिस तरीके से 1990 से 2015 तक लगातार जीतते रहे हैं बिजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल में जो माई समीकरण है जिसके लिए राजद जाना जाता है, लालू यादव जाने जाते हैं, और अब तेजस्वी यादव के कंधे पर आगे चलना है, लेकिन सुपौल में यह जो माई समीकरण है वह लालू यादव के राजद के साथ न होकर बिजेंद्र यादव के साथ खड़ा हो जाता है। और फिर जब नीतीश कुमार साथ होते हैं, एनडीए साथ होता है, तो जो सबन वोट है, फॉरवर्ड वोट है, वह साथ में मिल जाता है। और इसके साथ ही जदयू का जो वहां कहते हैं 55 वोट, तो इससे उनको बड़ी ताकत मिल जाती है। अब 2015, देखिए 2015 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जब लालू यादव भी नीतीश कुमार के साथ थे जी। तो यह चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था और भाजपा दूसरे धरे में थी, एनडीए में भाजपा, रालोसपा और लोजपा थी। तो 2015 के चुनाव में भाजपा सुपौल की मशक्कत कितनी है कि सुपौल में उम्मीदवार तय ही नहीं कर पा रही थी कि सुपौल में बिजेंद्र यादव के खिलाफ लड़ेगा कौन, क्योंकि बिजेंद्र यादव अब और भी ताकतवर थे, क्योंकि लालू यादव भी साथ में थे और कांग्रेस भी साथ में थी। तो बिजेंद्र यादव के खिलाफ लड़ेगा कौन, शाहनवाज हुसैन का नाम चलता रहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, अंतिम दिन जाकर नाम तय हुआ था और आखिर में किशोर कुमार मुन्ना को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया। किशोर कुमार मुन्ना पहले सोनबरसा से विधायक हुआ करते थे, निर्दलीय जीते थे। तो लेकिन इस चुनाव में, 2015 के चुनाव में, बिजेंद्र प्रसाद यादव में और बड़ी जीत, क्योंकि अब लालू यादव भी साथ थे, जीत हासिल करी। देखिए 2015 के चुनाव की बात करें हम तो 82,295 वोट आए थे बिजेंद्र यादव को, और किशोर कुमार मुन्ना को आए थे 44,898 वोट, 44,898 वोट। तो ये बड़ी जीत हासिल हुई थी।
तो सुपौल जैसा मैंने बताया कि 1990 से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सब सारे चुनाव उनके लिए आसान रहे हैं। बीच में ऐसे भी चुनाव आए हैं जिसमें बहुत टफ मुकाबला हुआ है। यदि हम देखते हैं 2000 का विधानसभा चुनाव, बिजेंद्र यादव 3000 से भी कम मतों से चुनाव जीते थे। फिर हम फरवरी 2005 का चुनाव देखते हैं, 2005 में दो चुनाव हुए थे, जो पहला चुनाव फरवरी 2005 का चुनाव, फरवरी 2005 का चुनाव बिजेंद्र यादव इसराइल राइन से करीब 2000 मतों के अंतर से जीते थे। लेकिन इस सफरनामे में 1990 से लेकर 2015 तक के सफरनामे में बिजेंद्र यादव ने किनको किनको चुनाव हराया सुपौल में? प्रमोद कुमार सिंह को हराया, विनायक यादव को हराया, इसराइल राइन को हराया, रविंद्र कुमार रमन उर्फ रविंद्र यादव को हराया और किशोर कुमार मुन्ना को भी हराया। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति वहाँ चलती रही है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि 2020 में क्या होगा, क्योंकि चुनाव तो होने हैं और इस बार महागठबंधन भी अलग है, महागठबंधन भी अलग है और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में है। तो देखिए, पहली बात तो ये होनी है कि सुपौल में अब भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि एनडीए का पार्ट है और यह सीट जदयू की सीटिंग है और बिजेंद्र प्रसाद यादव उम्मीदवार है। जब 2020 में चुनाव होने जा रहा है तो बिजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र हो गई है 74 ईयर्स, 2015 में वे 69 ईयर्स के थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग कयास ये लगाते रहे हैं कि बिजेंद्र प्रसाद यादव बीमार भी चलते रहते हैं, कई तरीके की बीमारियां हैं, तो कहा जाता है कि बिजेंद्र प्रसाद यादव स्वयं चुनाव न लड़ें, अपने बेटे को आगे लाएं, राजनीति में स्थापित करें इस उम्र में। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि 2020 के लिए यह बात तय हो गई कि फिर से बिजेंद्र प्रसाद यादव ही जदयू के उम्मीदवार होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि उनके सामने कौन, यह सवाल महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 2010 में बिजेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे रविंद्र यादव, जिनको रविंद्र कुमार रमन कहा जाता है, बाद में उनकी हत्या हो गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। तो रविंद्र यादव का परिवार उनके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने सुपौल में जो डाउन जीरो पर लोगों से बात की कि देखिए कौन से लोग हैं, तो वहाँ भी लोग कहते हैं कि देखिए बिजेंद्र यादव सुपौल के लिए एक तरीके से 24 कैरेट गोल्ड हो गए, मतलब उन्हें हराना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर भी उम्मीदवार तो हैं ही, लगे भी लोग हैं। एक डॉक्टर अमन कुमार हैं, तेजस्वी यादव के करीब माने जा रहे हैं डॉक्टर अमन, तो उनके बारे में चर्चा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से रविंद्र यादव, जिनकी हत्या कर दी गई थी और 2010 में इसके पहले वो चुनाव लड़े थे बिजेंद्र यादव के खिलाफ, उनके भाई हैं डॉक्टर बी के यादव, उनके बारे में भी चर्चा है डॉक्टर बी के यादव। फिर इसी परिवार से विद्या देवी हैं, विद्या देवी हैं रविंद्र यादव की पत्नी, अभी मरौना की प्रखंड प्रमुख हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि, लेकिन तय करना है महागठबंधन को। महागठबंधन में अब कई पार्टियां हैं, राजद है, कांग्रेस है, वीआईपी है, हम है, यदि ये रालोसपा है, यदि ये सारी पार्टियां बनी रह जाती हैं, तो सुपौल का चुनाव बड़ा चुनाव है और वह ऐसा चुनाव जहां से बिजेंद्र यादव, यदि हम 1990 से 2020 की बात कर लें तो 30 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, 7 चुनाव जीते हैं। तो उनके खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा, यह एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को निपटने के लिए महागठबंधन किसको सामने लाता है, यह बड़ी बात है। तो यह देखे जाने वाली बात है। तो थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए और भी कोई उम्मीदवार, क्योंकि महागठबंधन भी सोचेगा कि किसी ऐसे उम्मीदवार को हम सामने लाएं जो मजबूती के साथ बिजेंद्र यादव से चुनाव लड़ सके। तो ये एक सवाल है करीब, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि जदयू की ओर से विजेंद्र यादव भी होंगे, विजेंद्र यादव ही होंगे। यदि सेहत उनकी बहुत खराब हुई तो उनके परिवार का कोई आगे आएगा, लेकिन अभी तक तय यही है कि विजेंद्र यादव ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक जहां तक बातें की जा रही है, विजेंद्र यादव ही जदयू की तरफ से उम्मीदवार होंगे, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन बड़ा सवाल महागठबंधन के लिए ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति 30 साल से राज कर रहा है, 7 बार चुनाव लड़ चुका है, जीत चुका है, उसके खिलाफ किसे खड़ा किया जाए। ये काफी टफ क्वेश्चन भी है और काफी बड़ा मुकाबला भी हो सकता है वहां पर। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।